सीजेआई रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को भेजी चिट्ठी में मीडिया की सराहना की है, जिसमें लिखा है कि कठिन मौकों पर भी ज्यादातर मीडिया ने परिपक्वता दिखाई है, झूठी जानकारी नहीं फैलने दी, सच्चाई के रखवाले, लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाई है, रिटायरमेंट के बाद आपसे मिलना चाहूंगा। तो सीजेआई ने यहाँ मीडिया की तारीफ की है, सच्चाई के रखवाले, लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका मीडिया ने निभाई है, रिटायरमेंट के बाद आपसे मिलना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रेशर था खुद कोर्ट के ऊपर भी अयोध्या मामले या पिछले दिनों देखे, जिस तरह से इम्पोर्टेंट मामलों पर सुनवाई हुई है और सीजेआई ने अपने रिटायरमेंट से पहले कोशिश की है कि तमाम जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो सुलझाए जाएं, खासकर अयोध्या को लेकर दशकों पुराना ये विवाद था और उसे लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे थे पत्रकार, तो पत्रकारों ने भी ये भूमिका निभाई, हमने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई कि हर बार ये अपील की गई थी कि आप शांति बनाए रखें, कानून में विश्वास रखें, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो सभी को सर्वमान्य हो। ऐसे में सीजेआई ने जो ये चिट्ठी लिखी है वो हौसला अफजाई करती है न सिर्फ मीडिया हाउसेस के, उन तमाम मीडिया कर्मियों के जो सच्चाई की लड़ाई के लिए लगे रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपसे मिलना चाहूँगा, आज 15 अक्टूबर आखिरी दिन है, वर्किंग डे जो कहते हैं वो आज आखिरी है, 17 नवंबर रिटायर करेंगे और आज 15 नवंबर जो है आज उनका लास्ट वर्किंग डे है, 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं सीजेआई रंजन गोगोई।